Okay, so good evening everyone. Yes, I have seen your marks of this test. काफी इम्प्रूवमेंट आई है काफी बच्चों में, बहुत बढ़िया. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज लास्ट वाला जो टेस्ट था उसके कंपैरेटिवली तो काफी अच्छा किया है आप लोगों ने, है ना. तो वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, है ना. तो टेस्ट की प्रिपरेशन तो हमने कर ही ली थी अच्छे से, ये भी एक रीजन रहा है कि हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, है ना. ऑलमोस्ट इतने प्रैक्टिस कर लिए थे कि हमें आइडिया लगने लगा था कि टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, ना ऐसा लगने लगा था, है ना. कुछ क्वेश्चन तो हमने पी वाई क्यूज कर हुए थे तो उनमें सिमिलर ही क्वेश्चन आ गए थे, है ना. तो देखो पी वाई क्यूज करने का ये फायदा होता है क्योंकि पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं आपके, जो नीट का पेपर आएगा ना उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वैल्यूज अलग आए पर क्वेश्चन भी अगर सिमिलर हुआ ना तो भी हमें कितनी हेल्प हो जाएगी, हम कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को, राइट. तो पॉइंट बस इतना है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से काफी क्वेश्चंस तो काफी चांसेस हो जाते हैं कि आप उनको एग्जाम में कर पाओ, है ना. यही मैं समझाना चाह रहा था पहले भी तुम लोगों को. अब जैसे ये एसी की हमने प्रैक्टिस करी अच्छे से, आप लोगों को आगे भी अगले टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, खासकर मेजर टेस्ट, है ना. मैं बोलता आ रहा हूँ इतने टाइम से कि मेजर टेस्ट अच्छे से देना है, तो आई होप कि तुम लोग कर रहे होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस. टॉपिक्स पता है ना सबको? यस सर. टॉपिक्स तो पता है ना सब बच्चों को? सबसे बात कर रहा हूँ मैं, दो तीन बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे हैं. तो मेजर टेस्ट है आपका इस वीकेंड ही है शायद, है ना, इसी इसी वीक के एंड में, है ना. एक और आपका, तो गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, अच्छे से तैयारी कर लो, है ना. इस बार जो है मेजर टेस्ट को अच्छे से देना है ना. और जितना बीएसी में परफॉर्म किया तुमने उससे भी अच्छा परफॉर्म करना है. अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि काफी बच्चों ने कम टाइम दिया है टेस्ट में, ठीक है. तो पता नहीं कम टाइम दे के भी तुम लोग मार्क्स कैसे लिया है, या तो तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो है ना एकदम से, या फिर पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है, या फिर तुम लोगों को शायद अब क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, जो भी बात है, या फिर आपने फॉर्मूले वगैरह देखे हैं बीच में, या चीटिंग करी है, मुझे नहीं पता. जो भी रीजन है मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि तुमने इंडिविजुअली के कैसे आपने क्यों क्यों किया क्या किया. मे बी मैं आपसे बात करूं किसी से, पर आपसे जनरली मैं नहीं पूछूंगा. पर आप लोगों को खुद को पता ये बात कि तुमने पेपर कैसा दिया है, है ना. या तो आपने फॉर्मूले देख के दिया है बीच में, है ना, या फिर कोई क्वेश्चन देखा है, या फिर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि आप लोगों को आते थे क्वेश्चंस, ठीक है. तो जो भी रीजन है आप लोग जानते हो आपके रीजन. मेरा पॉइंट बस ये है कि हमारा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि हम टेस्ट में बस कैसे ना कैसे मार्क्स ले आए अच्छे. हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि हमारे अपने आप मार्क्स आए. बात समझ रहे हो मेरी, है ना. यस सर. हाँ, तो अगर हमारे मार्क्स सही में पूरी ऑनेस्टी से हमने पेपर दिया है और कुछ हमें आता है और फिर आए तो बहुत ही अच्छी बात है ना. यही हमें मोमेंटम मेंटेन करना है और आगे भी अच्छा स्कोर करना है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग डेफिनेटली अगले टेस्ट में इस चीज को समझ के इम्प्रूव करना, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने कहीं से भी कोई क्वेश्चन इस तरह से किया हो कि आप लोगों को नहीं आता हो फिर भी आपका सही हो गया हो. तुक्का ही हो भले ही, है ना. मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि चलो ठीक है तुमने चीटिंग करी होगी, हो सकता है आपने तुक्का मारा हो और सही हो गया हो, है ना. तो तुक्के वाला क्वेश्चन भी अपना कंसिडर मत करके चलना. ऐसा मत सोचना कि मेरे 120 मार्क्स आ गए 160 में से, तो उनमें से अगर मेरे तीन चार क्वेश्चन तो तुक्के में सही हुए हैं, है ना. तो वो तुम्हारे नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. आप किसी और को बताओ नहीं बताओ, आपको खुद को पता होनी चाहिए बात. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जब एग्जाम आ रहा है, हम जिस पास आते जा रहे हैं एग्जाम्स के, है ना, फाइनल एग्जाम के, तो जब तक एग्जाम आ जाएगा तब तक अगर आप लोगों ने ये टेंडेंसी चेंज नहीं करी अगर, है ना, तुक्का मारने की, या फिर वो क्वेश्चन सही मानने की जो कि आपने सही में नहीं किया है खुद से, है ना, तो फिर ये आपको एग्जाम में सीधे नुकसान देगा, है ना. अभी के टेस्ट में मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे लेकिन एग्जाम में नहीं आ पाएंगे, तो उसका फायदा क्या. हमें मेनली तो वहीं स्कोर करना है ना, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए, है ना, अच्छे कॉलेज से हम एजुकेशन ले पाए, ग्रेजुएशन कर पाए, है ना. हाँ, तो आप लोगों को एनालाइज करना है पेपर को हर बार. एनालिसिस में कोई टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा. अगर तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तुम आधे घंटे में पूरा एनालिसिस कर सकते हो, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन आता था और नहीं आता था, है ना, कैसे आता था तो, और जो नहीं आता था उसको कैसे करना है ना, या कौन से टॉपिक का है मार्क कर लिया वो. तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट है, इसलिए मैं ऐसी ये सब बातें कर रहा हूँ. होता है ना कभी कि जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, जो आप जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं
जिनको पता होता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो कैसे नहीं पढ़ रहे हो, है ना, वही कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के जो मार्क्स हैं वो तुम्हारी मेहनत से आए, और अगली बार भी आप लाओगे, है ना। मुझे इस चीज को लिए मुझे सही प्रूव करना है, अगली बार जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम होगा, मेजर टेस्ट होगा अब तो, है ना, तो इसमें भी अच्छा स्कोर करना है आप लोगों को, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है, कम नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि देख लो रिजल्ट, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी अच्छे से, क्लास में भी करी, सारी क्लासेस भी लगाई है ना, थक रहे थे आप लोग, तीन तीन क्लासेस हो रही हैं आपकी, फिर भी आप कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी मिल रहा है ना। धीरे धीरे हम हाँ समझ में आने लगा है कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कहाँ पे ला सकते हैं, राइट। तो आज के क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एसी वाले टेस्ट से, और फिर ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे आज, ठीक है, ऑप्टिक्स भी कर लेंगे आज, कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत तो है नहीं, और काफी क्वेश्चन तो तुम्हें आते ही है ना, एसी वाला पेपर तुमने दे लिया, अच्छे से दिया है ना, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे, है ना, और कुछ डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, बाकी हम ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ऑप्टिक्स का टेस्ट है अगले वाले संडे, ठीक है, यानी कि अभी जो मेजर टेस्ट होगा ना, उसके बाद अगला जो संडे आएगा उसमें केवल ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? चैप्टर ऑप्टिक्स ही, तो हमारा रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो हो जाएगा कंप्लीट तब तक आराम से, है ना। तो आप लोगों को ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लगाने भी अब चालू करने, मैं आप लोगों को मॉड्यूल जो डीपीपी वाला है ना वो शेयर कर दूंगा ऑप्टिक्स के, हम मैं क्वेश्चन क्लास में भी कराऊंगा लेकिन तुम्हें शेयर भी कर दूंगा। तो मॉड्यूल सबसे पहले मॉड्यूल सॉल्व करना, है ना, काफी हद तक हो जाएगा तुम्हारा इस वीकेंड में, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते ना। अभी तो आप मेजर टेस्ट की प्रैक्टिस करो, अभी उसमें मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन मेनली आप उसी के लगाओ, ठीक है, लेकिन अगले वीक में आप ऑप्टिक्स के, अभी इस वीक में भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना चाह रहे हो मॉड्यूल से तो आपको करना चाहिए, वरना आप अगले वीक से तो फिर सारे क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स के सॉल्व करने हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो बात समझो, तुम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो कोप अप कर लेते हो कैसे ना कैसे, हो सकता है कभी रह जाओ लेकिन कभी फिर वापस से कर लेते हो कोप अप, लेकिन मैंने देखा है कि फिजिक्स में आप लोगों को अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है बहुत ज्यादा, ऐसा है? फिजिक्स में अगर हमारे मार्क्स आ जाते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि अब थोड़ा अच्छा स्कोर आ रहा है तो हम कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते यस हैं, लगता है ना, या फिर छोड़ चुके हो उम्मीद तुम, अब सर, तो कुछ नहीं हो पाएगा, यस ठीक है। तो फिजिक्स में अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे ना कंटिन्यूसली, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी इंप्रूव होगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हमारा सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या जो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें हमारे मार्क्स जनरली कम आते हैं, उसमें अगर हम अच्छे लाने लगते हैं ना, इंप्रूव करने लगते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारी तैयारी अच्छी होती है ना, तो बाकी में भी हम अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पर ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी होने के लिए भी तुम्हें उतने मार्क्स लाने हैं जितने तुम्हारे अभी आ नहीं रहे हैं, है ना, टेस्ट में आ रहे हैं तो फिर उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, टेस्ट में तो आपको लानी ही है, लेकिन हर टेस्ट में आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, और क्लास में भी आप आंसर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। देखो मेरे को तब लगेगा जब तुम, देखो अगर आप टेस्ट में मार्क्स ला रहे हो तो हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख लिया होगा, क्योंकि ऑनलाइन ही तो टेस्ट होता है, कौन सा मैं तुम्हें देख रहा हूँ टेस्ट देते वक्त, तुम्हारी खुद की ईमानदारी है, खुद की तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है वो तो, लेकिन टेस्ट अगर आप क्लास में भी आंसर करते हो तो फिर मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ ये बच्चे को आता है सही में, है ना, ये बच्चा सीख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो क्लास में भी आंसर करना है हमें क्वेश्चंस का, ठीक है। बताओ और कोई टेस्ट से रिलेटेड बताओ, कोई इश्यू है, कोई डाउट आया, कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस किया तुमने जो तुम शेयर करना चाहते हो? नो सर, नहीं? चलो चालू करें फिर क्लास को आज की। हाँ बेटा बोलो। अभी टेस्ट है ना, ये वाला मेजर टेस्ट सर, इसमें पहले मॉड्यूल के करे कि पहले PYQ करे? सर मॉड्यूल के लगाए थे सर, पहले दो सेक्शन के तो सही हुए, पर अगला सेक्शन लगाए तो उसके सारे ही गलत हुए, पता नहीं कैसे। सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, उसमें सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे पहली बात तो, ठीक है, अगर कर भी रहे हो ट्राई भी कर रहे हो तो फिर उसमें आप सॉल्यूशन देख लो साथ में, है ना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिलता नहीं आता कि क्वेश्चन तो मुझसे मेरे से शेयर करो, मैं बताऊंगा, है ना, डाउट ग्रुप में डाल दो, डाउट ग्रुप में तुम क्वेश्चन बड़े बहुत कम डालते हो, उसमें डाल सकते हो आप, है ना, अगर लेकिन सही में प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाला करो, ठीक है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती डाल दिया जिस सर को दिखाने के लिए, है ना, उसका कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाला करो, दूसरी बात क्या है कि प्रैक्टिस करो, है ना, तो डालो उसमें डाउट। अच्छा अभी PYQ उसको पहले ले लो, ठीक है, पहले पहले ओके सर, PYQ करो और DPP सॉल्व कर लो, PYQ को ले लो एक बार,
उसके बाद मॉड्यूल निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी और सर आपको आपको क्वेश्चन भेजा था, पहले मैंने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजा, वहां पे आंसर मिला तो, पर वो वर्क ऑन रेजिस्टिव फोर्स समझ नहीं आया, तो आपको भेजा था वो क्वेश्चन। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, आज आंसर बताता हूँ तो मैं क्लास के बाद, ओके ठीक सर। है। चालू करें क्लास को, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, सबको विजिबल है या नहीं बताना। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, तो वही प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की, है ना। जो एसी में हमने पेपर देके हम आए, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, उसके बाद हम टॉपिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप चैट में आंसर करो जल्दी जल्दी, जो नहीं आते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, काफी इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बी क्वेश्चन है, तो आंसर कर सकते हो आप जल्दी जल्दी। ये तो पता होना चाहिए हमको, ये इंफॉर्मेशन तो अब, है ना। यस सर, क्या आंसर है, यस सबको सर, पता है, सबको यस आंसर? सर, यस सर, जो हमारा इंडक्टर होता है उसके केस में वोल्टेज लीड करता है ना, वोल्टेज लीड्स बाय है पाइप। ना, वी जो होता है वो करंट से आगे रहता है ना भाई। यस सर, यस सर, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, क्या करंट लीड करता है, वोल्टेज करता लीड करता है, करंट लीड लीड। करंट लीड करता है उसमें, है ना। तो ये पता है ना ये सब चीजें, यस ये सब अब तो याद हो जाना चाहिए, तो मतलब बेसिक चीजें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे ना, उनमें इस इंफॉर्मेशन का यूज आएगा, तो फिर आप लोग कर पाओगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करो। आरएमएस वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना, ये भी हो यस जाना चाहिए, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे भाई, अंडर सर, अंडर कौन बताएगा? सर, वीआरएमएस निकालना है ना, तो यहाँ पे तो आरएमएस की वैल्यू सर वी बाय अंडर रूट 2 ही होती है। ग्राफ को देख के पता चल रहा है क्या? ऑप्शन बी, अरे ग्राफ को देख के भी तो पता चल रहा है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, यस वी सर, नॉट बाय टू, या वी नॉट ही आ रही है ना, तो वी यस, आरएमएस कितना हो जाएगा इसमें, वी वी नॉट, नॉट, देखो वी नॉट का स्क्वायर आ गया, प्लस अगली वाली जो वैल्यू इसके जीरो है वैल्यू, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर बाय टू, तो इसका आंसर भी वी नॉट बाय रूट टू ही आएगा, ठीक है। अब यस तुम्हें सर, ग्राफ में देख के पता चल रहा है, पर अगर ग्राफ चेंज कर देते हैं तो फिर उसको अकॉर्डिंगली हमें यूज करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब इसमें आपको क्या बताना है, जो आपका बॉक्स है ना उसमें अननोन एलिमेंट है आपका कुछ, ठीक है, तो आपको समझते हुए बताना है क्वेश्चन को कि इसमें क्या आ सकता है, केवल कैपेसिटर आ सकता है या फिर इंडक्टर आ सकता है या दोनों आ सकते हैं, है ना, या फिर कुछ भी आ सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आई वर्सेस पोटेंशियल, आई वर्सेस ई ग्राफ आप बनाओगे इसमें, आईएक्सी, आईएक्सएल और आईआर का, तो क्या आएगा वो समझो। अगर केवल हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होगा तब भी हमें इसको देखना है इंडिविजुअली, और जब हम तीनों लिखेंगे, आर एल सी लिखेंगे तीनों ही, तो भी हम इसको समझेंगे ग्राफ बना के क्या होना चाहिए। करूंगा, डिस्कस करूंगा मैं। पहले ग्राफ बनाए, हाँ बेटा, अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो आपको पहले तीनों को एक साथ देखना पड़ेगा ना। अगर आप ग्राफ बनाओगे, अगर आर एल सी तीनों लोगे आप, तो आपका लीडिंग फेज डायग्राम, लीडिंग फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाय फोर का डिफरेंस आएगा। आई वर्सेस ई ग्राफ बनाओगे आप इसमें, आई वर्सेस पाई बाय फोर का डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, अरे दिख रहा है ना पाई बाय फोर का, तो करंट लीड कर रहा है आपका पाई बाय फोर से, है ना।
तो उसको ग्राफ बनाओ एक बार अगर बना पा रहे हो तो, और आप देख पाओगे जब एक्स ही बड़ा है एक्सेल से, एक्स ही बड़ा होगा जब एक्सेल से तो क्या ग्राफ बनेगा। और फिर हम देखना पड़ेगा कि अगर हमारा केवल रजिस्टर और कैपेसिटर होता है तो फिर फेज डिफरेंस पाई बाय फोर का जो आएगा उसमें हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि जब फेज डिफरेंस हमारा पाई बाय फोर का होगा, जब हम केवल कैपेसिटर यूज करेंगे फेज डिफरेंस जिसका पाई बाय टू होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है बनाना, है ना। केवल इंडक्टर एंड रजिस्टर के लिए है, फेज डिफरेंस पाई बाय टू का होना चाहिए उसमें, या फिर केवल रजिस्टर हो जिसमें कि फेज डिफरेंस ही नहीं होता, जीरो होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? ऐसा कुछ बनेगा, ऊपर क्या आ जाएगा आई एक्स सी, IXC नीचे क्या आ yes sir जाएगा आई एक्स एल, yes है ना। यहाँ पे क्या आएगा आई आर, sir I है ना। ई भी तो है ये, ई बात समझ में आ रही है yes करंट। sir अच्छा yes sir अब पाई बाय फोर से वो कर रहा है, लीड कर रहा है पाई बाय फोर से, तो जो रिजल्टेंट है आपका वो कैसे आएगा? आई आर तो आपका इधर आ गया है ना, और ये इधर की तरफ क्या आ जाएगा एक्सेल माइनस XC एक्सी, yes sir एक्सी माइनस एक्सेल या एक्सेल माइनस एक्सी, एक्सी माइनस एक्सेल। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो पाई बाय फोर पे आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा आप लोगों का। तो आंसर क्या आना चाहिए, सवाल तो ये है ना, आंसर क्या आना चाहिए? सी वाला सर सी ऑप्शन आएगा ऑप्शन आपका आंसर, सी है ना। सी ऑप्शन आएगा आपका आंसर। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें, या तो कैपेसिटर रजिस्टर एंड इंडक्टर, या फिर केवल कैपेसिटर रजिस्टर। ठीक है, जब कैपेसिटर रजिस्टर इंडक्टर होंगे तब भी ऐसा हो सकता है ना कि पाई बाय फोर का आपका जो है लीडिंग आए वो, है ना, और आपका रिजल्टेंट रहे पाई बाय फोर पे। और अगर केवल कैपेसिटर और रजिस्टर हुए, सेकेंड वाला जो केस है कि केवल कैपेसिटर और रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, उस केस में भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते ऐसा फेज डिफरेंस पाई बाय फोर का जब हम केवल कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है ना उसमें, तो बात समझ में आ रही है। पाई बाय फोर का पाई बाय यस फोर हम केवल कैपेसिटर पे ऑप्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हमारा रजिस्टर और कैपेसिटर होगा तब हम केवल पाई बाय फोर के जो लीड कर रहा है ऑब्वियसली वो वाला फेज डिफरेंस ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सूटेबल है आई के लिए भी, एक्सी के लिए भी और आर के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो एक ही सेटिस्फाई कर पा रहा है, सी ऑप्शन। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओनली रजिस्टर पे तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, पाई बाय फोर का लीडिंग तो हो ही नहीं सकता, पाई बाय टू का होता है ना। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा इसको है ना एक बार रिवाइज भी कर लेना, ये सारे जो फेज डायग्राम्स बनाए थे ना हमने, फेजर डायग्राम्स, तो यस सर एक बार रिवाइज कर लेना। ये क्या है कि आप लोग कुछ चीजें है ना जो बार बार रिवाइज करनी होती है, तो मैं आपको क्वेश्चन के बीच में ही बता रहा हूँ। समझ में अगर नहीं भी आ रहा है ना तो ये आने लगेगा, समझ रहे हो। तुम लोगों ने अगर कुछ चीजें रिवाइज नहीं करी होती ना तो उसमें क्या है क्वेश्चन में भी दिखता है, वो क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्ट होता है कि सर कितना ही इसमें डिस्कशन हो जाए समझ लें हम उस क्वेश्चन को, पर हमें आ नहीं रहा होता क्योंकि हमने क्या है कि थ्योरी उस चीज की छोड़ी हुई होती है या फिर हमने ढंग से पढ़ी नहीं होती। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो चीजें मैं क्वेश्चन के बीच में बताता हूँ उनको नोट करके रखा करो, है ना, ताकि जब बाद में आप रिविजन करो तो उनको एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। क्लास क्यों लीव हो रही है सारी? अगला क्वेश्चन करें, ये हो गया था क्या? यस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यूज होगा इसमें, कितनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कैसे निकालते हैं उस पे? सर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ना, क्वेश्चन करो सॉल्व करो। बी आ रहा है क्या आंसर? यस सर यस अच्छा, इसमें करंट हम निकाल लेंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा वैसे हमारा, क्योंकि करंट जो है इसमें अलग अलग दे रखा है अगर आप नोटिस कराओ आपने तो, है ना, तो हम थोड़ा सर टाइम बचा सकते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। करंट कैसे निकालेंगे भाई? यस सर
वो निकालना ना, आई एम निकालना है, मतलब आई नॉट ये अब देखो बोला। समझो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ठीक है, तो आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो करंट है वो तो वी अपॉन आर से ही निकल जाएगा, है यस सर। ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि बात समझ में आ रही है ना, यहाँ यस पे कैपेसिटर और इंडक्टर का तो रोल ही नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे तो जो सर। हमारा करंट है वो डायरेक्टली निकल जाएगा, 220/44 कितना होता है, फाइव फाइव है ना, तो इससे ही आंसर आ गया अभी, है ना। लेकिन अगर हमें पूरा भी निकालना हो, ऑब्वियसली हम इसको समझना चाहेंगे ना कि भाई कैसे आया आपका जो ओमेगा भी है वो कैसे आया, ठीक है, आपको ये भी तो निकालनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो क्या होती है भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस क्या होता है, इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी, है ना, क्या है वैल्यूज पुट करो, वन अपॉन अंडर रूट में एल सी वैल्यू कितनी है, 18 -3, और सी की वैल्यू कितनी है, 20 हाँ, क्योंकि माइक्रो हेनरी, माइक्रो फेराड है ना, माइक्रो 10^-6, और ये मिली है 10^-3। अब तो समझ में आने लगा है ना ये सारे यूनिट्स वगैरह, है ना, कन्वर्जेंस करने में दिक्कत थोड़ी आ रही होगी, अब आ रही है सारे, नहीं तो भाई इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 10^-9 हो जाएगा, 10^-10 हो जाएगा जीरो के साथ, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2500। कैलकुलेशंस करते रहो, कैलकुलेशन करोगे ना जब, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि मैं कहाँ पे टाइम बचा पा रहा हूँ अपना। हाँ तमन, सर इन्होंने तो एम्पलीट्यूड बोला था ना, एम्पलीट्यूड का तो आई एम एम्पलीट्यूड में कैसे, निकालते एम्पलीट्यूड निकालना है ना इसमें करंट का, तो हैं। यस रेजोनेंट करंट ही तो हुआ वो, सर रेजोनेंट उसमें करंट आई आर कैसे एम एस निकालते, थोड़ी निकालेंगे। रेजोनेंट करंट कैसे निकालते मुझे बताओ, सर वो वोल्टेज डिवाइड बाय मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस। होता है, मैक्सिमम करंट दैट फ्लोज थ्रू एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, है ना, तो कब यस होगा सर। ऐसा, जब केवल रेजिस्टिव सर्किट मानोगे आप उसको, केवल रेजिस्टेंस मानोगे तभी तो होगा ऐसा, यस सर। हाँ या ना, यस सर। बस फिर ठीक है, वर्ड पे फोकस करो कि भाई आपको किस कंडीशन में निकलवा रहा है वो, जहां भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गया वहां पे वन अपॉन अंडर रूट एल सी ही आएगा आपका ओमेगा, और आपका रेजिस्टिव सर्किट मान के आप उसको क्या निकाल सकते हो, आप उसका करंट निकाल सकते हो, है ना, रेजोनेंट। हाँ बोलो, पर सर मैं रेजिस्टेंस की तो बात कर ही नहीं रही ना किसकी बात कर रहे हो आप, सर। वो एम्पलीट्यूड निकालना है ना उसका करंट का, तो वो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। मैक्सिमम वैल्यू ही तो है ये, मैक्सिमम तो करंट एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू सही है यस ना। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आपका जो है करंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो ये कब आती है, सर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस के केस में आपका सर्किट जो आप मानते हो वो क्या मानते हो, प्योरली रेजिस्टिव मानते हो, यस सर। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा ही तब, एम्पलीट्यूड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड से है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड समझते हो, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड होता है ना, एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है ना, तो यस मैग्नीट्यूड जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है करंट का, तो करंट का मैग्नीट्यूड सबसे मैक्सिमम कब आता है, जब आप केवल रेजिस्टिव सर्किट मानते हो, तो यहाँ पे आपने आर मान लिया केवल, है ना, आपने कैपेसिटर और इंडक्टर आप उसमें इंक्लूड करोगे क्या, नहीं करोगे, है नो सर। ना, तो आपका जो कितना है मैक्सिमम वोल्टेज, कितना आर एम एस वैल्यू वी की, 220 है अपॉन आर आपने जो लिखा वो है रेजिस्टेंस आपका 44 ओम, तो आपका ऐसे ही आएगा आंसर। अब देखो आगे भी अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना एलसीआर सर्किट में या वैसे भी दूसरे कोई सर्किट में, तो उसमें मान के चलना कि यही निकलेगा आपका, है ना, क्योंकि इम्पीडेंस लिखते हैं ना हम जनरली वी अपॉन जेड लिखते हैं, है ना, तो और इम्पीडेंस के केस में यहाँ पे आपका प्योरली यस रेजिस्टिव सर्किट है, तो आप यहाँ पे आर ही तो कंसिडर करते हो, भूल गए क्या, सर। पक्का, वो तो नो पता सर। ही है सर। फिर क्या डाउट है मैं ये पूछ रही हूँ कि वीआरएमएस क्यों लिया, वीएम क्यों नहीं लिया। अच्छा बेटा यहाँ पे आपको जो सर्किट दे रखा है वो आपको रेजोनेंट कंडीशन पे दे रखा है, तो इस केस में अगर आपको जब तक बोला नहीं जाए ना कि आपको लेना है वीआरएमएस, आप नहीं लोगे,
कि जब भी एम्पलीट्यूड निकालना होता है ना, एम्पलीट्यूड निकालना होता है ना मैक्सिमम करंट का, करंट का, तो आप हमेशा जो आपको दिया हुआ है ना वोल्टेज वही लेते हो, है ना, कभी भी आप वो वैल्यू नहीं लेते हो, आपको जब तक बोला नहीं जाए आपको आपको नहीं लेनी है वो वैल्यू, ठीक है। ये इसमें रेजोनेंस के केस में होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ये रेजोनेंस वाला केस, पढ़ा है सर। यस फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसमें नहीं बताया आपको, उसमें नहीं बताया, सर रेजोनेंस वाला समझ ही नहीं आया था मेरे को। तो ऐसा बोला करो ना, फिर उसको फिर से पढ़ा देंगे, क्या बात हो गई। अच्छा एक रिवीजन वगैरह क्लास में लगाता हूँ, तुम लोग टॉपिक थोड़ा तैयार व्यार करो और मुझे बता दिया करो, मैं एक रिवीजन क्लास लगा लूंगा, साथ में ही हम कर लेंगे और उसको फिर से पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई अगर ऐसी चीज है जो कि समझ में नहीं आई है, पुरानी चीज है ना, तो उसको बता दिया करो, जरूरी नहीं है आपको हाथों हाथ पढ़ाई जाए, पर जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक तुम लोग खुद भी जब नोट करने लगोगे ना तब बता पाओगे मुझे भी, खुद ही नोट नहीं करोगे तो कैसे बता पाओगे मुझे, बात समझ में आ रही है। मैं आपसे पूछूंगा है ना कि भाई अभी आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं पुराने, क्योंकि एक बार देखो बेटा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, जब हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट तो हमारे पास पुराना रिवीजन ही बचेगा ना करने को, हम क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है नीट में, है ना, तो फिर हम उन टॉपिक्स को सर। उठाएंगे जो हमें ढंग से या तो समझ में नहीं आए हैं या फिर हमारे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उन टॉपिक्स के, तो उसका एक बार फिर से थ्योरी पढ़ा दूंगा तुम्हें मैं, यस सर। ठीक है, टेंशन मत लो। सर हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहा था कोई, नहीं नो सर। आगे चले, ठीक यस सर। है, ये भी स्किप किया था क्या, नो सर। ये वाला भी स्किप कर दिया था क्या, वी एल वी सी और वी आर का रेशियो दिया हुआ है तुम्हें, है ना, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर के केस में वी दे रखा है 100 वोल्ट, है ना, एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो दे रखा है 100 वोल्ट। हाँ सिद्रा, 90 वोल्ट। वेरी गुड, तो आपको निकालना है भाई, निकालिए, रेशियो आपको दे रखा है, आपको वी आर की वैल्यू निकालनी है इसमें, वी आर कितना आएगा, वी आर समझते हो ना क्या है, वी आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। हाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये निकाल लिया आप, ठीक है, वी दिया हुआ है, मेन बात तो ये है, तो काफी इजी हो गया, 1:2:3 का रेशियो दे रखा है तुम्हें, सिद्रा कैसे किया बेटा, जी सर। कैसे हुआ आंसर कैसा आया, सर वी इज इक्वल टू 100 वोल्ट था, वी आर निकालना, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट कर रहे थे वी स्क्वायर आर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। फिर सर वी आर इज इक्वल टू 90 वोल्ट। अरे कैसे किया, बीच का कहाँ गया, सर वी वन रेशियो वी सी और वी आर इज इक्वल टू 1:1, 1:3 आया। हाँ तो वी एल माइनस वी सी की जगह कुछ पुट किया या ऐसे ही मतलब अज्यूम कर लिया कि 90 आएगा, है तो सर पता है हमें, पता है सर सर कैसे गया, फिर टिक वो टिक कर दिया था सर। कर दिया था बस, कैसे बेटा, या तो कोई तुमने वो लिया हो कि भाई हाँ सर मैंने ये अज्यूम किया था, है ना, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये इतना आएगा, उसके बाद मैंने इसको पुट किया वैल्यूज को तो मेरा यही आया, या तो ऐसे बताओ, है ना, ऐसे कैसे आ गया, आप कैसे मतलब आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि आपका 90 वोल्ट 90 आएगा आंसर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, किसी और का आया आंसर, सर ये नहीं था। नहीं आंसर सही है बेटा, आंसर से थोड़ी ना मतलब है, पर मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया, ये पूछ रहा हूँ, आंसर तो सही है, अगर आपने ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व किया है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ऑप्शंस के थ्रू कैसे सॉल्व किया है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ ना। करो करो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, मुझे बताओ आंसर कैसे आया, मुझे तो नहीं आया समझ में क्योंकि ओके सर, फिर मैं बताऊंगा ना, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ऐसे ही। तरीका तो सही है लेकिन तुम वो समझा नहीं पा रहे हो कि सर ये इस वजह से आया। बताऊं पक्की यस सर, बात? यस सर, डिस्कस भी तो नहीं लिखते हो तुम आजकल? डिस्कस क्यों नहीं लिखते हो चैट में? अगर नहीं आया तो लिखते अगर डिस्कस, यार क्लास की क्यों ली हो रही हो? स्किप किया था क्वेश्चन। अच्छा पुराने वाले के लिए बोल रहे थे। एक भी डिस्कस नहीं आया मुझे चैट में, मैं खुद ही पूछ रहा हूँ तुमसे कि बताना है नहीं बताना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बोलो ना, ये चैट में मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कि डिस्कस करना है, तो हम क्या है कि फिर सीधे डिस्कशन पे आ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, है ना। हाँ भाई, तो आपका जो वी का होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, वी आर का होल स्क्वायर प्लस, आगे बोलो। का है ना, क्योंकि आपका जो ये रेशियो होगा वी एल इज टू वी सी इस टू वी आर, ये हमारा एक्स एल इस टू एक्स सी इस टू एक्स आर का भी तो होगा, है ना, या फिर आर मोड आर होल की बात है, 1:2:3 राइट। अच्छा अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं, लेट्स के कोई एक क्वांटिटी वी एल एक्स है हमारा, है ना, लेट वी एल बी एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा रेशियो, एक्स इस टू 2x:3x हो जाएगा राइट, यस है ना, यही हो जाएगा। अच्छा इसको अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, है ना, यस और सर, ये क्या हो जाएगा 2x-x का होल स्क्वायर, सही बात है, कितना माइनस बन गया ये 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन गया, ये √10x² बन गया क्या, यस सर, बात समझ में आई, यस बात समझ में आई सबको, है सर, ना। अच्छा जो वी आर है तुम्हारा, वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, यस सर, तो वी आर जो है उसको अगर आप लिखना चाहो इसके आर के उसमें, क्योंकि आर आपका कितना है, ये है ना आपका वी आर, तो ये है ना आपका आर, तो सर, थ्री टाइम्स है ना आपका, तो अगर हम आर के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो ये आई इंटू 3x हो जाएगा, थ्री यस टाइम्स है। बेसिकली आई लिखने का कोई सेंस नहीं है सच, बट मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो वी आर है वो मतलब 3 गुना है उससे बाकी से, ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे आई को, अब तुम आई को कैसे लिखोगे, आई को कैसे लिखोगे, आई होता है वी आर एम एस अपॉन यस वी आर एम एस अपॉन जेड, एलसीआर सर्किट में तो यही होता सर, है ना, और जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यस है ना, ये तुमने निकाली हुई है यहाँ पे, कितनी आई है, √10x² आई ना, है ना, तो सर, आई इक्वल्स टू कितना आ गया, वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट जेड 10x² टेन है ना, और वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 100 दे रखी थी क्या, तो मैं यहाँ पे आई की जगह पुट कर देता हूँ, ये 100 अपॉन √10x² और मल्टीप्लाई में 3x तो मेरा दे ही रखा है इन्होंने, 3 गुना है ना वो, मुझे बेसिकली उसका फैक्टर लिखना था कि कितना आ रहा है ये, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली नॉट इक्वल्स टू लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 90+ आएगा, ये बात समझ में आई आपको, 90+ कुछ आंसर आएगा आपका, इसलिए आपका सी यस ऑप्शन राइट है, ठीक है, तो ये रीजन पता होना चाहिए आपको कि क्यों आया ये 90। अच्छा इसको तुम पुट भी करोगे ना 90 को तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब तुम 90 पुट करोगे इसमें तो तुम बाकी को क्या लोगे, फिर उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना, रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे कि 2x है, 2x अपॉन 2x प्लस x 3x और 3x और 3x 6x हो गया ये,
बात समझ में आई? तो ये इतने टाइम, कौन सा? कैपेसिटर, एक्सी है आपका इतने टाइम से। बात समझ में आई? तो आप लोग इसको है ना पहले डिस्ट्रीब्यूट करो रेशियोज में, फिर सॉल्व करो। हाँ अक्षरा, सर एक बार ही वो वाला स्टेप समझाना, वी आर इक्वल टू आई वाला। बेटा देखो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं 3 गुना, ठीक है? एक्सएल, एक्सी और एक्सआर भी 3 गुना होगा ना। यस सर। एक्सआर क्या होता है? आर ही होता है यस ना? सर। यस सर। तुम्हारा रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन हमको उसके लिए करंट लिखना पड़ेगा बस, ठीक है? करंट आपका जो है वो कितना है? वी आर एम एस अपॉन आई, सॉरी वी आर एम एस अपॉन जेड, क्योंकि आपको जो रेशियो निकालना है वो बाकी के तीनों के कंपैरिजन में निकालना है, ठीक है? तो 3x केवल आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हो, आपको उसका कंपैरिजन लेना पड़ेगा बाकी तीनों से। तो आपने बाकी तीनों को कंपेयर किया, कैसे किया? यहाँ पे आपने देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लिखता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला जो यूज किया है ना, जो हमने निकाला है बेसिकली, वो हमने जेड निकाला है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये जो तुमने निकाला है, ये तुमने निकाला है कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना? ये निकाला है तुमने, इम्पीडेंस ही निकाला है यहाँ पे, और कुछ नहीं निकाला, है ना? तो जो तुम्हारा यस इम्पीडेंस है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, वो आ रहा है अंडर रूट 10x स्क्वायर, ठीक है? तो उसके कंपेरिजन में तुम्हारा जो वी आर है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर है, वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि आप करंट करंट के रेशियो में निकाल लो उसको। ऐसे तो निकालते थे तुम नॉर्मली, जब रेजिस्टेंस के केस में निकालते थे अपना, जो जब इंडक्टर वगैरह नहीं आया था, जब कैपेसिटर भी नहीं आया था, तो करंट के रेशियो में ही तो निकालते थे हम कितना ड्रॉप जा रहा है ना, तो ऐसे निकालते थे। यस सर। वही पुराना वाला तरीका यूज किया है हमने, तो इसको ही आपको यूज करना है। तो इसका आंसर जो आएगा नॉट एग्जैक्टली 90 वोल्ट एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आएगा, 90+ आएगा कुछ, ठीक है? इसलिए हम आंसर जो है सी ऑप्शन लगा के आएंगे। देखो इसने क्वेश्चन में लिखा भी है क्लोज टू, यूज किया ना इसने वर्ड क्लोज टू, ठीक है? तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट 90 तो आ ही नहीं सकता। अगर 90 एग्जैक्ट आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो कुछ ना कुछ। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे आई, वी आर एम एस अपॉन जेड, इम्पिडेंस के रिस्पेक्ट में आता है ना आई, क्योंकि हमेशा आपका आरएलसी सर्किट में, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थोड़ी ना है ये, है ना? तो आप पहले आई निकालोगे, फिर उसके रेशियो में आप निकालोगे वी आर, ठीक है? तो वी आर जो आएगा आपका वो आएगा 90+4, ठीक है? आगे चलें। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई। इसका तो आंसर बता दो यार डायरेक्ट। ऑप्शन ऑप्शन बी, ए ऑप्शन डी, सर। ए। अच्छा चैट में लिख दिया करो, देखो इसलिए बोलता हूं मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ए तो नहीं है बच्चा, आई गेस ए तो नहीं है आंसर। इनिशियल करंट और रेजिस्टेंस मान लो पहले, तो आई और आर मान लो इनिशियल करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है? आपका जो बोल रहा है ना सर्किट, बोल रहा है एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है 10 वोल्ट पे, है ना? एलसीआर तीनों में, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ कर दिया इन्होंने, है ना? तो आपका रेस्पेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है ये, तो रेजिस्टेंस हाफ कर रहा है ये ना? तो आप क्या करोगे, पहले आप आई और आर मान लो करंट और रेजिस्टेंस को, इंडक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सएल या आरएल कुछ भी बोल लो, है ना? कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आरसी हो जाएगा। इंडक्टिव रेजिस्टेंस आरएल हो गया, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आरसी हो गया, और रेजोनेंस पे आर क्या होता है, आरसी और आरएल के बराबर होता है, पता है ये बात? यस सर। इसलिए आर जो होता है वो यस सर। इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना? तो जब आपका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा। डबल। तो
तो रजिस्टिव के केस में कितना आएगा वो निकाल लो, फिर कैपेसिटिव के केस में कितना आएगा ये निकाल लो। कैपेसिटिव तो अभी भी आरसी है, इंडक्टिव अभी भी आरएल ही है ना। केवल तुम्हारा रजिस्टिव क्या है, रजिस्टिव वी जो निकलेगा वो आर मतलब उसका जो रजिस्टेंस है वो हाफ हो गया, आर हाफ हो गया बेसिकली। नहीं समझ में आया, सोल्व करूं? जैसे कि आपने इनिशियल करंट मान लिया I, है ना, और रेजिस्टेंस कितना मान लिया भाई, R मान लिया, ठीक है। तो आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम लिखना चाहें, इंडक्टिव रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, आर एल, है ना, और कैपेसिटर सेम तरीके से कितना हो जाएगा, आर सी, है ना। और जो तुम्हारा रेजोनेंस पे कंडीशन होता है एट रेजोनेंस, ये आपको पता होगा ये बात, तो यस सर, आर होता है वो आर एल और आर सी के बराबर होता है, ये बात पता है क्या? अगर ये बात आर एल और आर सी बराबर होते हैं बेटा, ये आर सी हमारा रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है तीनों का बराबर हो जाता है रेजोनेंस पे, है ना, रिएक्टेंस की बात नहीं हो रही। रिएक्टेंस में तो एक्सएल और एक्ससी जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, है ना, केवल आर बचता है, यस सर, है ना। यहाँ यस पे हमारे रेजिस्टेंस रेजोनेंस की बात हो रही है, उसमें रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो ये क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस हाफ हो गया, अच्छा रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा अगर, तो तुम्हारा करंट डबल हो जाएगा, ये बात समझ में आती है? यस सर, अगर आपका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट डबल हो जाएगा, इफ आर विल बी आर बाय टू, तो आपका करंट जो है वो 2i हो जाएगा। तो अब आपके केवल रेजिस्टेंस के केस में, जब आप v निकालोगे ना रेजिस्टिव केस में, केवल अगर आप निकालना चाहते हो, ठीक है, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखो रेस्पेक्टिव वोल्टेज से पूछ रहा है एल सी और आर पे। तो जब आर पे आप v निकालोगे तो आपका कैसे निकलेगा, v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो करंट तो हो गया 2i और रेजिस्टेंस कितना हो गया था बोला था इसने, आधा बोल दिया था ना रेजिस्टेंस इसने, यस सर, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये तो 10 वोल्ट ही हो जाएगा, सेम ही तो बचा, आई आर ही तो बचा, टेन वोल्ट था ना तुम्हारा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन करंट तो तुम्हारा सबके लिए ट्वाइस हो रहा है ना, चेंज केवल तुमने रेजिस्टेंस में किया है। तो जब आप इस पर इंडक्टर के लिए निकालोगे, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए, तो उसके केस में भी करंट तो 2i रहेगा, लेकिन इनका मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये आर एल, आर एल और आर सी सेम रहेगा, तो इसमें आर है दोनों में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, यानी 2 × 10 वोल्ट। तो दोनों के केस में आपका ट्वाइस हो जाएगा क्या, वोल्टेजेस अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी, तो कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन, ठीक है, केवल डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि आपका, देखो चेंज तुम जो ला रहे हो वो रेजिस्टेंस में ला रहे हो, है ना, पर जब तुम रेजिस्टेंस में चेंज लाओगे तो करंट सब सारे कंपोनेंट्स में करंट ट्वाइस हो जाएगा ना। यस सर, और ये कंडीशन अगर आपको नहीं पता थी तो अब इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, रेजोनेंस पे आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस ये सेम हो जाते हैं, जो रेजिस्टेंस है ना सर्किट में उसके बराबर हो जाते हैं रेजोनेंस पे, ठीक है। मुझे लगा ये चीजें तुमने पढ़ी भी होंगी, तो मैं अज्यूम करके समझा रहा था, अभी तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसमें तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं काफी, तो मैं इसको एक बार फिर से थ्योरी में भी ले लूंगा, ठीक है। रेजोनेंस हम पूरा ही पढ़ लेंगे, ठीक है, यस सर, वैसे तो रेजोनेंस केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना, यस भी ले लेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा रेजोनेंस वाला केस है एलसीआर सर्किट को, एलसीआर ही पढ़ा देंगे, या तो फिर तुम्हें पुराना पूरा, है ना, उसमें क्या एलसीआर कौन सा इतना बड़ा टॉपिक है, उसको ले लेंगे फिर से, ठीक है। एक बार रिवीजन क्लासेस की लगा लेंगे आगे, एक बार सिलेबस हो जाए आप लोगों का, उसके बाद आप एक बार नोट करके रखा करो इन चीजों को पर, है ना, क्योंकि मैं जब पूछूंगा ना कुछ टाइम बाद, तो तुम लोग बोलना ये चीज कि सर ये एलसीआर सर्किट जो था ना उस टाइम पे पढ़ा था, वो एक बार फिर से थ्योरी बता दो उसकी, है ना, तो उसकी थ्योरी ले लेंगे हम क्लास में, कूल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, तो इजी क्वेश्चन है,
रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, हमेशा मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है? सर मैक्सिमम होता है रेजिस्टिव सर्किट में, मैक्सिमम होता है। पक्का? यस सर। हाँ यस सर बोल दो सब लोग। सही बोल रही है वो, सोचो। यस सर बोल दो बस। चलो क्वेश्चन करो, करते हैं क्वेश्चन करो पहले तुम। क्वेश्चन मैक्सिमम ही होता है। हाँ हाँ मैंने मैंने कुछ कमेंट किया नहीं सर। हाँ या ना तो बोला ही नहीं मैंने। तुम क्वेश्चन करो पहले, मुझे आंसर बताओ इसका कितना है आपका जो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है बेसिकली, है ना, जो कि 1.5 वोल्ट के सेल से है आपका कनेक्टेड, और आपका जो रेशियो का है टर्न रेशियो है जो आपका है ना वो 1:2 का है। अच्छा इनपुट से कनेक्ट किया है तो आउटपुट पे पूछ रहे हैं तुमसे। क्या आउटपुट पोटेंशियल रहेगा क्या इसमें कुछ? नो सर। यस सर। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आंसर क्या है? आंसर है जीरो सर। क्यों? जीरो जीरो सर कैसे? हाँ अच्छा बताना बताना है यस डिस्कस करते हैं। इसमें डीसी इनपुट है तुम्हारा, एसी इनपुट है ही नहीं इसमें। सही क्या लिखा हुआ है? डीसी इनपुट है इसमें, ठीक है, तो इसमें आउटपुट पोटेंशियल तो रहेगा ही नहीं। अच्छा डीसी इनपुट में आउटपुट पोटेंशियल रहता है क्या सर? लेकिन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है टर्न रेश, आपको ये बताया नहीं क्या कि जब आपको जो ऐसे दिया हुआ होता है सेल है ना, क्योंकि सेल दिया हुआ है ना, क्योंकि सेल एसी सोर्स होता है क्या? No, sir, ये चीज तो ये चीज क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन में नहीं लिखी है, चार पांच बार बोल दिया तुमने पिछले एक सेकंड में बोला है चार पांच बार। इतनी जल्दी तो एसी भी अपना डायरेक्शन नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने बोल दिया ये कि सर ये एसी का डीसी का दिया है सर, डीसी का दिया, बोनस 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 स्पैम कर दो है ना, बोनस है सर बोनस है। सेल लिखा हुआ है इतना छोटा सा वो इग्नोर कर दिया। सेल क्या होता है? एसी सोर्स होता है, डीसी सोर्स होता है? डीसी। इसमें डीसी के केस में कुछ आउटपुट पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होता, स्टेप अप कर ही नहीं पाता वो। ट्रांसफॉर्मर कभी भी स्टेप अप कर पाएगा क्या किसी डीसी इनपुट को? नो सर। कोई पोटेंशियल आएगा ही नहीं तो फिर इंड्यूस ही नहीं हो पाएगा कोई पोटेंशियल सेकेंडरी कॉइल में। ट्रिक क्वेश्चन था ये, क्या बोलते हैं इसको? ट्रिक क्वेश्चन हो गया। ट्रिक डीसी इनपुट है ना, तो नो स्टेप अप, नो स्टेप अप, ठीक है, तो कोई पोटेंशियल भी नहीं आएगा। अरे यही तो पूछ रहा है ना तुमसे, वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट, नो पोटेंशियल एट आउटपुट है ना, कुछ इंड्यूस ही नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? वो नहीं हो पाएगा, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ मैं। डीसी के केस में कुछ पोटेंशियल नहीं इंड्यूस हो पाता सेकेंडरी पे, है ना, एसी करता है कि हमारा स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है वो ऑपरेटिंग किस पे करता है? काम ही नहीं करता वो डीसी पे, वो ऑपरेटिंग एसी पे करता है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करो। ये हुआ था क्या? यस सर। बताइए आंसर बताइए फिर, काफी जल्दी जल्दी क्लासेस छोड़ देते तुम, क्या बात है। पावर मैक्सिमम तब होता है जब इम्पीडेंस मिनिमम हो, पावर मैक्सिमम तब होता है जब इम्पीडेंस मिनिमम है ना, रेजोनेंस पे हो पाता है ऐसा कि आपका जेड मिनिमम कितना हो जाता है? आर स्क्वायर। यस सर।
एक्सेल माइनस एक्सी का तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है ना, एक्सेल माइनस एक्सी स्क्वायर का तो कुछ पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन आपका रेजोनेंस पे क्या हो जाता है, जेड मिनिमम आर हो जाता है, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाते हैं, है ना। पावर थ्रू एलसीआर सर्किट कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर बोल दो, है ना, या आई स्क्वायर आर बोल लो। मैक्सिमम पावर हो जाएगा जब इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। मिनिमम कौन सा ऑप्शन सही है, सर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पहले ठीक है, ये वाला तो सही हो गया था ना एग्जाम में, या ये भी गलत करके आया था? सही दोनों था। यस स्टेटमेंट एकदम सच है, ठीक है, दोनों सही है भाई, दोनों सही बोल रहे। हाँ भाई एक और क्वेश्चन हो जाए। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, एक्सी क्या होता है ये अगर पता था आपको तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते थे इसको। कैपेसिटेंस निकालना है आपको, अराउंड कितना आएगा, तो अगर आप एक्सी का फॉर्मूला पता है आपको तो आप जल्दी से सॉल्व कर दोगे इसको, पता है क्या? यस सर, वन बाय ओमेगा। हाँ करो करो सॉल्व करो। इंडक्टर नहीं है इसमें, कैपेसिटर और रेजिस्टर है बस। करो सॉल्व करो, उसके बाद बताना मुझे, अगर आता है तो आंसर बताओ, नहीं आता तो डिस्कस लिख दो। ठीक है बी आ रहा है क्या आंसर, देखते हैं क्या आ रहा है। बेटा बताओ आंसर, डिस्कस करें क्या, डिस्कस करें? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो वोल्टेज यस सर। अक्रॉस द रेजिस्टर 80 वोल्ट है, ठीक है, और मुझे लग रहा है मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो तुमको आए नहीं एग्जाम में, ऐसा लग रहा है मुझे। यस सर। यस सर। चलो भाई, तो एक्सी कितना होता है हमारा, 1 अपॉन ओमेगा सी, यही तो होता है। यस सर। यस क्या लिखा हुआ है, वी क्या रिलेशन दे रखा है, वी इक्वल्स टू साइन कितना, 100 रुपीज। 100 रुपीज। थ्री हंड्रेड फोर्टीन टी ये दे रखा है क्या। यस सर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 314। ओमेगा की वैल्यू 314, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो तुम्हारा वी होगा, वी बाय रूट टू वो आएगा ना, वी आर एम एस, तो यस सर। लोगे तुम वी नॉट को तो, यस। या फिर 100√2 लोगे? नहीं सर, वी आर एम एस लेंगे ना तो 100 आएगा। हाँ ये गलती आपसे हो सकती है ना, आप यहाँ पे वी आर एम एस में 100 नहीं लोगे, आप यहाँ पे वी आर एम एस में 100√2 ले लोगे जल्दबाजी में। बात समझ में आ रही है, जब तुम वी यस आर एम सर। एस लिखोगे ना, अरे वी आर एम एस नहीं पता क्या लिखोगे, वी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, √VR² प्लस वी सी स्क्वायर, ये लिखोगे ना जब, यस सर। तो है नहीं ना, थोड़ी तो बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जब तुम लिखोगे ना, इसकी जगह तुम लिख दोगे 100√2, ये गलती हो जाएगी। कितना होगा ये बेटा, वी नॉट है ना 100 100। √2, तो 100√2 तो यस वी नॉट सर। है, तो वी आर एम एस तो कितना हुआ आपका, 100 हुआ ना, यस तो यहाँ पे क्या बनेगी सर। 100 इक्वल्स टू, बताओ अब। 100 अंडरवुड कौन से है सर? अंडर रूट कहाँ से आया, सर यूनिट पावर 80 आएगा। हाँ 80 का होल स्क्वायर,
बैकी बातें मत करो, हंड्रेड रूट कहाँ से आता है, होल स्क्वायर का जब वैल्यू निकालोगे भी तो अंडर रूट ही तो आएगा। अच्छा आई कितना हो जाएगा, वी आर इक्वल्स टू आई आर होता है, वी आर इक्वल्स टू आई आर होता है, yes, sir. है ना। तो जब इसमें तुम आई निकालोगे तो कितना आएगा भाई, वी आर कितना है, 4 एम्पीयर आएगा, 4 एम्पीयर आएगा, 80 आएगा वी आर, 80 वोल्ट दे रखा है ना बेटा, अक्रॉस द रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, अपने मन से थोड़ी लिखा है मैंने, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ना, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कितना है, 80 वोल्ट है ना। अरे हाँ है ना, और आर एम्पीयर में तो ये आ जाएगा 4 एम्पीयर है ना। तो अगर तुम्हारा आई आ गया 4 एम्पीयर तो इसको आगे अब हम पहले सबसे पहले तो ये निकालते हैं वीसी कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे भाई, वी आर तो है 80, Yes. VC स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, yes, इसको सॉल्व करेंगे VC के लिए तो कितना वैल्यू आएगा बच्चों, 60. अच्छा यहाँ पे 100 स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट हटाओगे तो, अंडर रूट हटाओगे तो बनेगा ना स्क्वायर बेटा, नहीं समझ में आई बात, अगर अंडर रूट हटा दूंगा मैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी, yes, है ना, कंफ्यूजन क्यों हो रहा था पहले, ठीक है। तो ये बन गया आपका VC इक्वल्स टू 60, सही है, है ना। अच्छा VC equals to I into XC भी होता है, अरे जैसे VR equals to IR होता है, VC equals to IXC होता है। अच्छा XC हम लिखते हैं 1/ωc, ठीक है, तो 60 equals to कितना आ गया बताओ, आगे 4 multiplied by 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, 314 इनटू सी, अब हो जाएगा सॉल्व, यस सी की वैल्यू कितनी आई, 212 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 है ना, या फिर 212 माइक्रो फेराड में आएगी बेसिकली, ठीक है इसको सॉल्व कर लेना यही आएगा आंसर, यस सर। हाँ बेटा बोलो, फिर हमने जो वो वाला स्टेप किया वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का होल अंडर रूट, सर ये हमने वीसी की वोल्टेज निकालने के लिए किया, कैपेसिटर पे कितना ड्रॉप आ रहा है, पर सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बेटा फॉर्मूला और क्या लगाओगे आप, अगर आप फॉर्मूला ध्यान से याद करो तो यही तो होता था वी आर स्क्वायर प्लस वी वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, यही तो लिखते थे तुम, तो यहाँ पे एल तो है ही नहीं ना, वी एल तो जीरो है, कुछ अलग फॉर्मूला थोड़ी लगाया मैंने, यही तो लगाया है, यस सर। अगला करो, थर्टी एट क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, अब देखो इसमें तुम्हें क्या निकालना है, इसमें मैं खुद ही बता देता हूँ, देखो क्वालिटी फैक्टर मुझे लगता नहीं तुम लोगों को निकालना आता है, आता है क्या, yes, sir. जिसको आता है वो आंसर बता दो, फिर जिसको आता है वो आंसर बता दो। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बेसिकली करंट, तो आपका उसके बीच में ग्राफ दे रखा है ना, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसका क्वालिटी फैक्टर, कैसे निकालते हैं, ओमेगा नॉट एल बाय आर, एफ अपॉन डेल्टा एफ है ना, क्वालिटी फैक्टर यही होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है उसके उसकी कंपैरिजन में आपकी जो फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो जो एम्पलीट्यूड है, एफ आर मतलब क्या होता है, आपका जो मैक्सिमम करंट है वो किस फ्रीक्वेंसी पे आया है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एफ आर का मतलब है फ्रीक्वेंसी एट विच जिस पे एम्पलीट्यूड निकाला गया है ना, मैक्सिमम करंट कितना है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है जिसपे मैक्सिमम करंट आया है, सिक्स, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा एफ आर अपॉन डेल्टा एफ, अब डेल्टा एफ क्या, रेंज, रेंज कितनी है ना, तो रेंज बताओ कितनी है, एक बार एट आया है
है ना, और एक बार 4 आया, ये रेंज है आपकी बेसिकली। बात समझ में आ रही है, जिसमें आपकी करंट की वैल्यूज ऑब्टेन हुई है। Yes, sir. तो मैक्सिमम वाला हो गया। तो क्वालिटी मतलब बेसिकली ये बताता है कि आप कितना आप करंट डिलीवर कर पा रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो आपने मैक्सिमम करंट जिस फ्रीक्वेंसी पे डिलीवर किया डिवाइडेड बाय आपने कितनी रेंज में फ्रीक्वेंसी रखी, है ना, किस रेंज में रखी भाई, 8 और 6 में, सॉरी 8 और 4 में, है ना। कितना आंसर आ गया ये, 6/4, क्या आंसर आया, 1.5, सी ऑप्शन आंसर है। तो क्वालिटी फैक्टर आपको ये बताते, देखो नाम से भी समझ में आ रहा है ना, क्वालिटी कितनी क्वालिटी आ सकती है आपकी, है ना। तो क्वालिटी यही तो होती है कि कितना आपने करंट ऑप्टेन किया, कितना एम्पलीट्यूड ऑप्टेन किया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी आपने रखी अपने सोर्स की, एसी सोर्स की। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। या इसको मैं होमवर्क में दू तुम्हें, क्या बोलते हो, कर लोगे क्या तुम, कर नहीं पाओगे यार, पर एग्जाम में हो गया था क्या ये? नो सर। एक रिलेशन दे रखा है एसी वोल्टेज का, सर समझ नहीं आया था। रजिस्टर पे इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी करंट की रजिस्टर पे, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे, आईआरएमएस होता है वीआरएमएस अपॉन जेड, यस सर, है ना। तो रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लोगे तो तुम्हारा वीआरएमएस निकल जाएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे भाई, 40 और 30 के बीच में है ये पूरा गेम, 40 और 30 के बीच में दिख रहा है, यस सर, इससे निकलेगा तुम्हारा वीआरएमएस। ये देखो ये है 40, ये है 30, कितना आता है इसका रिजल्टेंट, 53 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, निकाल भी सकते हो चाहो तो तुम इसको, है ना, 50 आएगा इसका रिजल्टेंट। निकाल के बताऊं क्या ये भी, नो सर ये कर लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा, क्या चीज, आईआरएमएस, आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वीआरएमएस अपॉन जेड, इंपेडेंस, यही होता है क्या, ये हो जाएगा 50√2, वीआरएमएस को 50√2 हो जाएगा ना, 50√2 या 50/√2, 50/√2 आएगा, 50 नहीं आएगा, 50√2 नहीं आएगा, 50/√2 आएगा। और जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, जेड कितना लिख, जेड रेजिस्टेंस के बराबर है ना, हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ही है केवल, यस सर, है ना, और कुछ दे रखा है क्या, नहीं ना, नो सर। इतना आंसर आ गया बेटा, 5/√2 कहाँ था, क्या बेटा, √2 कहाँ था बेटा, ये जो 50 निकाला ये क्या है, रिजल्टेंट, VRMS क्या होता है, V0/√2 होता है क्या, अच्छा यस, अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा लास्ट कितना हो गया था ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल स्लैब, ये हो गया था क्या, जो मैंने अभी लिखा यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हो गया था क्या, आज की पूरी क्लास तो तुम्हारी एसी के डिस्कशन में निकल गई है, क्योंकि अभी अभी कोई डाउट बचा हो ना पेपर में, लास्ट वाले पेपर में, तो मुझे बता देना। हाँ सिद्रा सर, 23 वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, 23 वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, 23 किधर है, मुझे लग रहा है मैंने आज गलत ही डिसाइड कर लिया कि मैं, बेटा ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने, ये तुमने क्लास में कराया क्वेश्चन 23 वाला, सर वो सॉल्व ही नहीं हुआ, 23 वाला क्वेश्चन क्लास में कराया था, तुम्हें याद आ रहा है, आप क्लास में थे बच्चे, वो थोड़ा मुश्किल है बेटा, वो क्या है कि ना एक्चुअली क्या उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो तुम भी स्किप कर दो क्वेश्चन, क्या कि नहीं आने वाला वो नहीं आने वाला क्वेश्चन है ना, वो बहुत उसमें डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन समझ में आई नहीं आए उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि तुमने पढ़ा भी नहीं हुआ है, उस तरह की कैलकुलेशन तुमने पढ़ी नहीं हुई है ना, तो मैं आपको मैंने बताया भी था एक्चुअली क्लास में भी बताया था आपको मैंने, अगर आप नोट्स उठा के देखोगे ना तो आपको नोट्स में बताया हुआ है मैंने, और ये साथ में बोला है कि इसको मत करना अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आरएमएस वैल्यू निकालनी है आई की, इसमें तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई अपॉन टी हम लेते हैं इसका अंडर रूट में, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, जो वैल्यू दे रखी है ना I0+I1, यस सर, I इक्वल्स टू I0+I1 sin ओमेगा टी, ये दे रखा है तुमको करंट,
यहाँ पे ले लेता हूँ, कहीं पे लिख देता हूँ इसको, आई इक्वल्स टू कितना दे रखा है, आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी, है ना। ये क्वेश्चन तुमको छोड़ना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, एग्जाम में भी आता है तो, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो तुमको समझ ही नहीं आएगी। तो आईआरएमएस कैसे निकालेंगे इसका, आईआरएमएस ही पूछा है शायद इस क्वेश्चन ने, क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू पूछी है ना, यही पूछी है ना। एक्सप्रेशन बता देता हूं मैं, आई अपॉन टी, अब जो इंटीग्रेशन होगा ना आई अपॉन टी के बाद में, टी क्या है इसमें, टी क्या है टाइम पीरियड, और आई क्या है करंट जिसके रिलेशन दे रखा है, बात समझ में आ रही है, आसान मार रही है। इसको इंटीग्रेट करोगे आप बेसिकली जीरो से टी, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन होता है ना, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्या होगा फंक्शन, आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसको डीटी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तरीका होता है बेसिकली फंक्शन को इंटीग्रेट करने का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। अभी इसका आगे जो प्रोसेस हो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तुमको इंडिविजुअली तोड़ना पड़ेगा इसको, आई नॉट को तोड़ोगे पहले आई नॉट स्क्वायर प्लस डीटी, तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ, इसमें यहाँ पे वन बाई टी लेना आगे कॉमन, ये भी अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करोगे तुम, पहले आई नॉट डीटी, आई नॉट स्क्वायर, स्क्वायर है ना आगे, आई नॉट डी टी इसको तोड़ा जीरो से टी लिया इसको, है ना, फिर प्लस करके इसको तोड़ा, कितना आएगा ये आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। उसके बाद इसका आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है आपने बेसिकली, आपको समझ में आ रही है ये बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्म में बनेगा एक, है ना, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, प्लस टू टाइम्स ए बी, ए इंटू बी, तो इसमें ए क्या है तुम्हारा आई नॉट और बी क्या है तुम्हारा आई वन साइन ओमेगा टी, है ना। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए आप इसको कैसे खोलोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और फिर इंडिविजुअली इंटीग्रेट करोगे उसको, आसान में आ रही है। ये तो तुम्हारा आई का इंटीग्रेशन हुआ आई स्क्वायर, तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगी और डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसको तुम सॉल्व करने में प्रॉब्लम करोगी, तो इसको सॉल्व मत करो, नहीं आएगा एग्जाम में, मत टेंशन लो इतनी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको छोड़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन अपॉन टी आगे लेते हैं इसमें, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा मिलता है ना तो बताइएगा, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं, फिर हम उसको समझ लेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया तुमको, अगर आपका फंक्शन आता भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा तो आप उसको क्या करोगे, कोई ना कोई आप जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया आपने, है ना, ऐसे ही कोई और, कोई ना कोई और ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकता है उसमें, ठीक है। रिफ्रैक्शन टू पैरेलल स्लैब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी, क्योंकि क्लास तो हो गया, टाइम तो हो गया वैसे, पर ऑप्टिक्स भी हमें कंप्लीट करना ही है ना अगले सेशन तक, अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे तक, ठीक है। ये तुमने पढ़ लिया था ना रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, यस सर, मैंने समझा दिया था ना, डी इक्वल्स टू शिफ्ट होता है, जो आपका शिफ्ट आता है वो कैसे आता है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ज्योमेट्री से समझा दिया था ना ये मैंने, यस सर। बेटा याद आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, आइदर केस में हां या ना तो बोलो, जब आपकी सिलेंडरी आती है, हां बेटा बोलो सर, आपने ना इसका ओवरव्यू दिया था, आपने बोला था अगले क्लास में इसको डिटेल में करेंगे। अच्छा, मैंने ओवरव्यू दिया था इसका, यस सर, ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ यार, देखो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है सच, इसमें क्या हो रहा है कि हम जब एक सरफेस पे इंसिडेंट रे डालते हैं तो उसका रिफ्रेक्शन होता है, ये बताया आपको 10th क्लास में सीखा था आपने, yes, है ना, और फिर इसका फिर से रिफ्रेक्शन होता है, तो जो अगली बार रिफ्रेक्शन होता है वो पैरेलल होती है, इमर्जेंट रे बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट, है ना, तो ये इमर्जेंट रे जो होती है पैरेलल होती है आपके इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे को अगर आगे प्रोजेक्ट करोगे तो पैरेलल आ जाएगी, तो तुमको क्या है कभी शिफ्ट निकालने के लिए बोल देते हैं, ये कितना शिफ्ट हुआ, ये जो डी है ये क्या है, शिफ्ट ही तो है ना, कि भाई आपकी जो इमर्जेंट रे है वो कितनी शिफ्ट हुई है इंसिडेंट रे से, है ना, कितनी दूर आ गई है, जा तो यहाँ पे रही थी, इस जगह जा रही थी, है ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आ गई,
तो ये तुम्हें शिफ्ट निकलवाते हैं बेसिकली। कैसे निकालेंगे अब, आई तो हो गया इंसिडेंट एंगल जिस पे ये नॉर्मल से इंसिडेंट हुई है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो गया, बात समझ में आ रही है ना। तो अब तुम्हारा अगर तुम ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है बीच में, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल को अगर हम रीड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बोला जा रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बोला जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये एंगल 90 डिग्री है, yes, है ना। ये मैंने बनाया ऐसे कि वो तुम्हें लग रहा है नीचे वाला 90 डिग्री, इसको मैं चेंज कर लूंगा, वो थोड़ा दिखने वाइज ऐसा लग रहा है कि केस थोड़ा अलग है, कहाँ लिखे यहीं पे लिख देते हैं। ये आपकी लाइन है जो इंसिडेंट एंगल की लाइन है, ये पॉइंट है आपका दोबारा रिफ्रेक्शन का, और आपका ऐसे कुछ आ रही है रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू डी है राइट, यस सर, और ये एंगल है आर, ये एंगल है आर, ये वाला, yes. अच्छा, इससे जो एंगल बन रहा है यानी कि इंसिडेंट रे जो आ रही है तुम्हारी यहाँ, ठीक है, ये एंगल नॉर्मल से कितनी बना रही है, आई एंगल बना रही है राइट, तो ये yes, वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा क्या, नहीं समझ में आया, ये देखो ना यार, ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे आगे चली गई है ना, और ऐसे कुछ रिफ्रेक्ट हो गई, तो ये जो रिफ्रेक्ट हुई है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो गया, और ये टोटल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। तो ये तुम्हारा जो नॉर्मल से है ये आई बन रहा है टोटल, तो ये नॉर्मल तो तुम्हारा यही तो है नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल से ये वाली जो लाइन है प्रोजेक्टेड जो लाइन है आगे, ये टोटल एंगल आई है, तो ये वाला जो एंगल बचा है बीच में ये कितना है, आई माइनस आर ही तो है, यस सर, है ना। तो इसका साइन निकालो, पी बाय एच बनेगा, पी अपॉन एच यानी डी अपॉन, ये आपका जो पॉइंट आ गया इसको कुछ भी बोल दो, यहाँ पे हम बोल देते हैं पी क्यू बोल देते हैं इसको, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो डी अपॉन पी क्यू आपका कितना आया, साइन आई माइनस आर, आसान में आई, यस सर, है ना, डी अपॉन आई माइनस आर गया। अच्छा, तो एक अगर पी क्यू ये है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो ये जो तुम्हारा नॉर्मल है ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो पी से यहाँ पे टी तक एक्सटेंड हुआ ऐसा मान लो, नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, ये जो तुम्हारी इंसिडेंट रे थी ये रिफ्रेक्ट हुई और फिर इमरजेंट हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो इसको टी बोल दो, यस सर, है ना, तो ये पी टी डिस्टेंस है, पी टी यही तो थिकनेस है तुम्हारी, टी तो है ये थिकनेस, यस सर, आया ना समझ में आई बात, यस सर। तो अब एक बार इसको वाले ट्राइंगल में लगा देंगे, ध्यान से देखो, ये एंगल आर है क्या, ये एंगल आर है क्या, यस सर, है ना, तो एक बार इसमें कॉस वाला कंपोनेंट लगा देंगे, तो दोनों को कंपेयर जब हम करेंगे, हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, पीक्यू, पीक्यू से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन तो टी के साथ बन जाएगी, एक इक्वेशन हमने ये बनाई लिए दूसरी साइन आई माइनस आर, दोनों को लिखेंगे हम तो हमारा शिफ्ट आ जाएगा, डी आ जाएगा, पास वन में आइए करके बताऊं एक बार, अगर करके बताना चाहते हो तो भी करके बता दूंगा, समझ में आ गई हो तो वो बता दो, दो ट्राइंगल, एक तो आपका ट्राइंगल बन रहा है ये वाला जिसमें कि आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है पी, ये वाला पॉइंट है क्यू और ये वाला पॉइंट है टी, है ना, ये जो पी टी डिस्टेंस है ये कौन सा है, ये थिकनेस ऑफ द स्लैब है, ये होती है ना थिकनेस ऑफ द स्लैब, कितनी थिक है, अरे यही होती है ना टी, थिकनेस ऑफ द स्लैब, और एक ट्राइंगल आपका बन रहा है जिसमें कि आपकी सेम पी क्यू है, रिफ्रेक्टेड रे है, इसको आपने इंसिडेंट रे जो अगर आती आगे तो उसे प्रोजेक्ट किया हुआ है ऐसे, ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो ये PQ है, ये वाली लाइन PQ है, रिफ्रेक्टेड रे है ना, और ये D है, ये T है, और ये एंगल कितना है, I माइनस R है ना, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, R, बात समझ में आई, तो जब आप इसका cos लिखोगे इस वाले का, तो B अपॉन H आएगा, B अपॉन H क्या हो जाएगा, T अपॉन PQ, कितना आ गया ये, cos R आ गया, समझ में आई ये वाली बात, है ना, yes, और वाले ट्रायंगल में साइन आई माइनस आर कितना बन रहा है, डी अपॉन पी क्यू बन रहा है, अभी लिखा है ना ऊपर, देखो यहाँ डिराइव किया है,
बोलो बेटा, यस बोलो सर। बेटा। तो पी क्यू को रिप्लेस ही तो करना है दोनों में। पी क्यू इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर क्यू, टी अपॉन यस कॉस, तो ये आ जाएगा डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टी इंटू साइन माइनस साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अरे रिप्लेस तो कर दोगे ना, दो इक्वेशन, दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनमें दो इक्वेशन बनानी है ट्रिग्नोमेट्री से, क्या बात होगी बेटा। यस सर, समझ इतना क्यों गया। परेशान हो रहे हो, इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना ये। किसी को डाउट है क्या? नो मुझे लग रहा है तुम सर, थक गए हो बहुत ज्यादा, तुम्हारा ऐसा लग रहा है आज का हो गया है, अभी तो एक और क्लास लेनी तुम्हें। बेटा आया समझ में या कुछ पूछना है, बताओ जल्दी। ज्यादा थकान हो गई क्या? चलो एक क्वेश्चन कर दो फिर छोड़ दूंगा मैं, कोई नहीं, आगे का हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपको नहीं हो पा रहा है आपसे, थोड़ा आपकी अगली क्लास भी होती है, थोड़ा रेस्ट ले लेना, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन कर लो, पर आफ्टर दिस हम कंटिन्यू कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है? कर लोगे ना ये तो? यस सर। ठीक है, कर लो फिर। स्नेल स्लो पे हो जाएगा ये तो, मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। स्नेल स्लो याद है? यस सर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन थीटा इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एयर इंटू साइन थीटा, उसका साइन थीटा मतलब है ना, साइन एन वन साइन थीटा वन इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू होता है ना स्नेल स्लो, या भूल गए हो अभी? करें सॉल्व करें। सर 4/5 साइन इनवर्स 4/5। बेटा एंगल बताना है, एंगल कैसे 4/5 होगा? यस सर, साइन इनवर्स होगा ना, साइन इनवर्स। यस, इसे सॉल्व करें। यस सर। हाँ भाई, म्यू ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, कौन सा वाला, वाटर वाला है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, कौन सा वाला, ए वाला, एयर वाला, मुझे निकालना है ना, तो वैल्यूज पुट करनी है। अब तो मेरे ख्याल से 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से देखो 3/5 दे रखी है। यस सर। साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो थीटा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता ही है ना, मल्टीप्लाई बाय जो तुम्हें निकालना है साइन थीटा ए। कितना आंसर आ गया भाई, कितना आंसर आ गया? 4/5 4/5 3 से 3 कट गया ना, 4/5। डाउट है क्या बेटा इसमें कोई, किसी को? नो सर। पक्की बात? पक्की बात। यस सर। तो ये यहाँ से हम अपेरेंट डेप्थ निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन सॉल्व करके आना, मॉड्यूल आप लोगों के पास है ही सही, इसको सॉल्व करके आना क्वेश्चन को। आज हमने जो है एसी का टेस्ट रिवीजन किया है बेसिकली, ठीक है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने कंटिन्यू करी है, तो हम उसको आगे अगली क्लास में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, होमवर्क है आपका, आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करके आने, जितना आपने पढ़ लिया है ना उसके उस बेसिस पे आपको, तो आपको ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 या ऑब्जेक्टिव 1 जो आपका है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है? स्पेसिफिकली भी मैं बता दूंगा, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बोलो बेटा, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? सर। हाँ बच्चा बोलो। तो जैसे वो केमिस्ट्री का मैम ने बताया ना कि आप ऐसे 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 करके तैयारी कर लो सर, आप भी बता दो ऐसे खुद, फिर ना कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या करें या क्या ना करें।
मैंने तो कितनी बार बताया तुमको कैसे 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 तैयारी कर लो, कितनी हर बार क्लास में तो बताता हूँ मैं। नहीं सर, मैम ने बोला ना कि जो पुराने चैप्टर है उसको कैसे रिवाइज करना है। हाँ तो पुराने चैप्टर भी रिवाइज करने के लिए अभी तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, पहली बात पुराने चैप्टर रिवाइज करने के यस सर। लिए। तो ज्यादा हीरो मत बनो, ठीक है? जो तरीका बताया उसको पढ़ो चुपचाप। आई बात समझ में? कैसे 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 पहले जैसे बताओ सर फिर। पुराने वाले कोई टॉपिक्स है ना, हाँ जैसे क्रेचर्स लॉ हो गया, वेटस्टोन ब्रिज हो गया, हाँ ये होते नहीं है, तो इसको कैसे पढूं? हाँ ये सवाल अच्छा है, ये सवाल पूछो कि सर ये टॉपिक में डाउट है ना, वो अलग चीज होगी बच्चा। आप मुझसे जनरल चीज पूछ रहे हो कि सर पुराना कैसे पढ़े, तो मैं बता चुका हूँ तुमको, जो भी आप लोगों के टेस्ट होते हैं उसके पैरेलली आपको अपनी तैयारी को अलाइन करना है। जैसे आपका मेजर टेस्ट हो रहा है तो उसमें कम से कम 8-9 चैप्टर आ रहे हैं, रियलाइज हो रही है बात? तो यस 8-9 चैप्टर सर। और आ रहे हैं तो तैयारी अपने आप हो रही ना बच्चा, अपने आप हो रही है 8-9 चैप्टर्स की तैयारी। अगले टेस्ट में और ज्यादा चैप्टर्स आ जाएंगे तो उनकी भी हो जाएगी। अब तैयारी करने का तरीका क्या है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब आप तैयारी करोगे, आप PYQ सॉल्व करोगे, आप DPP सॉल्व करोगे, दोनों हो जाते हैं तो फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तीनों जब ये तो आपके है पता ना, जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपके टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ टॉपिक में डाउट आ सकता है कि सर ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही, ठीक है? तो वो थ्योरी पे हम बात कर सकते हैं, थ्योरी हम रिवाइज कर सकते हैं। उसके तरीके हैं, या तो आप लोग अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज देख सकते हो तो वो देख लो, अदरवाइज आप मेरे को कंसर्न कर सकते हो तो हम उसमें बात कर सकते हैं, राइट? यस सर। सर ठीक वैसे है? तो वो PWD के जो है ना वन हाँ शॉट जो अलग सर ने खुद लगाया सर, वो देखती हूँ, पर वो भी सर इतने बड़े बड़े होते हैं। नहीं, वो सारे मत देखो, तुम टॉपिक वाइज देखो, पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, वन शॉट वगैरह पूरा मत देखो। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हें जरूरत भी नहीं है, तुम कर रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई उस चीज, ठीक है? जो टॉपिक में डाउट आ रहा है स्पेसिफिकली वो टॉपिक का देख लो, और तुम मेरे को भी बता दिया करो तो मैं भी क्लास में अगर रहने का ट्राई करूंगा कि वो टॉपिक फिर से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? वैसे तो हम रिविजन करेंगे उसकी टेंशन नहीं है, बट अभी भी अगर हम बीच में डाल सकते हैं तो हम डाल लेंगे, ठीक है? तो अगली क्लास में बाकी मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो पुराने टॉपिक्स को कवर, ठीक है? ओके बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय, बाय सर, बाय सर। बाय बाय।